स्वागत है फिर से हमारे एक बार कटिंग और सिलाई चैनल पे। तो साथियों, मैं आज आप लोगों के ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ शोल्डर, आर्म होल और गला के लिए। और नए लोग हैं उनके लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं होता है। और कोई भी वीडियो देखते हैं उसमें जजमेंट से बताया हुआ होता है कि ये कितना रखे, आर्म होल कितना रखे, ये सब अंदाज से बताते हैं, उनका कोई गणित नहीं होती है। तो आप नए हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे हम लेना। आप तो इस वीडियो में वही चीज़ मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ। नए लोग जिनको कुछ भी नहीं आता है उनके लिए तो बहुत ही खास होने वाला है वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि दूसरे वीडियो में किसी में भी गणित के हिसाब से नहीं बताया जाता है कि कैसे आप मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा का पूरा मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आप नए हैं तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा पिछला जो मेजरमेंट मैंने सिखाया था उसका मेजरमेंट हमारे पास जो है ये है। और मैं आज चार साइज कवर करने वाला हूँ, 38, 36, 34 और 32। ये सभी का शोल्डर, गला और आर्म होल तीनों चीज़ कवर करूँगा और एक एक चीज़ बारीक से बताऊँगा। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेशन जो मैथ के हिसाब होता है, सबसे पहले हम 36 के जो है वो लेंगे, 38 का साइज लेंगे। 38 साइज में हमारा चेस्ट जो है 38 है, और बस्ट जो है 34 है, और हिप 40 है, और शोल्डर जो है 14 इंच है। 38 हमारा चेस्ट है, तो सबसे पहले हम गला के मार्किंग करेंगे। ठीक है, 38 के हिसाब से मैंने जोड़ के रखा है, 38/6 देना है। 6 से हमारा हो रहा है 6.33। ठीक है, तो 33 हो रहा है, तो हम इसको 6.5 लेंगे। इसका आधा भाग, यानी हम डबल फोल्ड कपड़ा रखते हैं कोई भी, तो उसका आधा भाग हम ऐसे मार्किंग करेंगे, सबसे पहले 3.25 इंच। ठीक है, उसके बाद ऐसा में हम लेंगे 6.5 इंच, बैक फ्रंट दोनों 6.5 है। ऐसा आपको गले की जो माप है यहाँ से लेना है, जहाँ पे हमारा नेक होता है, नेक के डिज़ाइन वहाँ से ऐसा क्रॉस मापना है, कभी भी गला के माप इसी तरह से लेना है। तो हम इसको ऐसा लेंगे 6.5, 6.5 पे यहाँ मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम ऐसा राउंड कर लेंगे, ये हमारा सिंपल राउंड गला है। अगर बैक और फ्रंट दोनों की राउंड सेम है या 3 इंच वाले है, ऐसा गले का ये बैक हो जाएगा और ये फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 इंच होगा और ये होगा 6.5। ठीक है, तो शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो हम अब हम शोल्डर की माप करेंगे, 14 के आधा 7 पे ऐसा माप मार्किंग लगाएंगे। फिर यहाँ पे भी ऐसा निशान लगा लेंगे। और उसके बाद ऐसा हम लगा लेंगे। ओके, उसके बाद सभी साइज में हमें, कोई भी साइज हो, बड़ा साइज में 1/4 इंच शोल्डर डाउन करना रहता है। कुर्ती के लिए खास है, टॉप में भी सेम रहेगा, ध्यान रखें 1/4 इंच आपको यहाँ पे डाउन करना है। और क्रॉस जो है नेक से, कभी भी नेक से आपको क्रॉस करना है, यहाँ से ऐसा। एक क्रॉस इसलिए किया जाता है क्योंकि शोल्डर हमारा डाउन होता है, तो उसमें फिट बैठना चाहिए, ना कि यहाँ से आपको कभी भी क्रॉस नहीं करना है, ऐसा यहाँ से क्रॉस कभी भी ना करें, वो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ से क्रॉस करना है, इसके लिए मैं ये मार्किंग करके बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से क्रॉस करना है, और उसके बाद हम ये चीज़ मिटा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 6.5 भाग फिर से गणित मारना है चेस्ट के हिसाब से, जितना भी चेस्ट हो उसके हिसाब से 6.5 भाग, जैसे हमने इसको मारा था सेम उसी तरह से इसको भी 38/6 करना है। यहाँ भी हो रहा है 6.33, इसको हम ज़्यादा नहीं लेते, 6.25 लेते हैं। यहाँ से आपको नापना है 6.25, 6.25 ऐसा नापना है, प्लस ऐसा 7 इंच हो जा रहा है टोटल। ऊपर से अगर सीधा रखेंगे कपड़ा, जो ये सीधा रहता है फोल्ड किया हुआ, उसके हिसाब से 7 इंच पे मार्किंग मारेंगे, यानी यहाँ से 6.25 होगा, यहाँ से पूरा 7 इंच हो जाएगा। फिर यहाँ भी इस तरह से हम 7 इंच मार लेंगे। ठीक है,
अच्छा, जितना बॉडी के नाप लेते हैं उससे 2 इंच एक्स्ट्रा चेस्ट, वर्स्ट और हिप की लूजिंग होती है, ठीक है। तो ये 38 जो साइज है ये हमारे मेजरमेंट में 34 ही 36 ही रहेगा, जो कि ये 38 है, ठीक है। तो 38 में हम ऐसा लेंगे, माप लेंगे 19, इसके 38 के ऐसा आधा 19 और 19 के आधा चौथा भाग, गणित मार ले ऐसा, 38 भागा 4 यानी 9.5, 9.5 इंच होता है ऐसा। 9.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग लगाएंगे, निशान लगा लिए 9.5 पे। उसके बाद 1 इंच आपको मर्जी हो तो 1.25 इंच और 1.5 इंच भी आप सिलाई मार्जिन रख सकते हैं, ऐसा हम लगा लेंगे, सॉरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जैसा हमारा ये है, और ये ए और ए लाइन को मिला देना है आपको, ए लाइन और ए लाइन जो हमने 7 इंच पे मारा था, और इसको यहाँ तक लेके आना है, कहाँ तक, यहाँ तक, ओके, यहाँ तक 1 इंच जो है वो सिलाई मार्जिन है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसा राउंड में शेप देंगे, जरा सा ही ये करना है आपको, ज़्यादा ये नहीं लेना है, ठीक है। देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा बता देते हैं जो ये होता ही नहीं है, ऐसा ऐसा मिला लेना, यहाँ तक लाके मिलाना है, ये चीज़ सीधा ही रख दे, छोड़ दे, कोई बात नहीं है, यहाँ तक आपको ये मिला लेना है, ठीक है। और जितने भी ऐसा गला रहेगा, या 3 इंच यहाँ पे हो और 6 इंच यहाँ पे हो, या दोनों सेम हो, तो आपको जो मेजरमेंट में शोल्डर आएगा जितना भी उतना ही रखना है। उसके बाद अपने आप आधा इंच शॉर्ट हो जाएगा जब आप स्लीव चढ़ाएंगे, तो सेम सेम रखना है। अगर आपका गला इससे बड़ा हो रहा है, 7 इंच जा रहा है, और पीछे का 9 इंच या 10 इंच गला रखते हैं, तो आप आधा इंच ऐसा माइनस कर ले, यहाँ से जैसे सेम है यहाँ से आप आधा इंच ऐसा माइनस कर ले, ठीक है। काटने के टाइम पे अगर बैक गला उससे भी बड़ा है तो आधा इंच और माइनस कर ले, इससे ज़्यादा माइनस आप नहीं कर सकते हैं। कौन सी साइज में, 38 साइज में, कोई भी साइज में 3 बार ही माइनस होगा, उसके बाद माइनस नहीं करना है आपको, नहीं तो शोल्डर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। बाकी बाद में आप अगर गला उतर रहा है तो बैक में डोरी लगा ले, ठीक है। तो 3 3 बार ही आपको माइनस करना है, यानी सेम रखना है फिर माइनस करना है। अगर कॉलर वाला होता है, अगर इसी में आप अगर कॉलर वाले कटिंग करते हैं, तो उसमें आधा इंच मेजरमेंट से एक्स्ट्रा हो जाएगा दोनों साइड, यानी ये डबल फोल्ड कपड़ा है, समझ लो ये डबल फोल्ड है, तो आधा इंच इधर बढ़ जाएगा, आधा इंच उधर बढ़ जाएगा, सेम उसी तरह आधा इंच आप डबल फोल्ड में काटोगे तो माइनस होते चला जाएगा। उसके बाद आप ये जो हो गया हमारे फ्रंट का भाग हो गया, अब बैक का भाग हमें यहाँ से ऐसा लेना है, इसको भी यहाँ लाके मिला देना है, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ध्यान रखें कि जितना भी बॉडी रहेगा, जितना भी बॉडी है उसका ये छठा भाग यहाँ पे ऐसा माप लेना है, यहाँ से प्लस 0.25 इंच शोल्डर डाउन रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास एल का स्केल रहेगा तो आप आराम से नाप सकते हो, और जितना भी आपका बॉडी है उसका छठा भाग गला भी होगा, ये गले का नेक जो होता है वही छठा भाग ये भी होगा। शोल्डर तो आपको मैंने बता दिया कि आपको 3 बार ही माइनस करना है, जितना भी गला उतार ले आप, जितना भी ज़्यादा गला माइनस करेंगे, एक तो जितना मेजरमेंट है ऐसे गले में ये 6.5 और ये 3 इंच, इसमें आपको जितना मेजरमेंट है उतना ही रखना है, प्लस अपने आप ये स्लीव चढ़ाने के बाद आधा इंच माइनस हो जाएगा। अगर आपका गला 8 इंच जाता है बैक गला, या फ्रंट गला 7 इंच जाता है, तो आप आधा इंच माइनस कर ले। अगर बैक गला 9 इंच जाता है तो आपको इसको और आधा इंच माइनस करना है, ज़्यादा माइनस करना नहीं है। अगर आप सेम सेम है ऐसा है, अगर आपने आधा इंच माइनस किया तो ये यहाँ से आ जाएगा, अगर उससे भी माइनस किया तो ये यहाँ से आएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ये आरमोल इतना बढ़ेंगे तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यानी आधा इंच और 0.25 इंच ऊपर ले लेना है ऐसा। ये आपको पूरे समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, अब मैं दूसरा जो बोट नेक है उसके लिए समझाऊंगा सेम साइज में।
तो आपको आधा इंच इधर से ऐसा माइनस करना है, पाव इंच ही करे आधा इंच ही करे तो भी चलेगा। ऐसा हम इसको एक बार ऐसा कर लेते हैं 2 मिनट। अच्छा एक चीज़ और मैंने बताना भूल गया कि आपको जो कटोरी के डॉट पॉइंट जो होता है सेम पॉइंट, उसको कैसा मापेंगे? तो उसको मापना है हमें जितना बॉडी होगा उसका चौथा भाग, यानी अगर 36 है तो 9, अगर 38 है तो 9.5, और प्लस आधा इंच मार्जिन 10 इंच। ये यहाँ पे मैंने मारा, फिर यहाँ पे भी 10 इंच मार लिया, और ऐसा हम करके सीधा लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, और इधर से हमारा डॉट का जो पॉइंट होता है वो होता है 8 इंच, यानी दबने के बाद 7.5 हो जाता है। तो ऐसा ले 7.5, ये हमारा एग्जिट पॉइंट निकल गया डॉट का। ठीक है, अगर 38 का साइज है तो ले ले आप 4.25, अगर 36 का है तो 1 पॉइंट कम, अगर उससे 34 का है तो उससे भी 1 पॉइंट कम, ऐसा करके आपको ले लेना है। तो ये हमारा कटोरी का जो टक्स डॉट पॉइंट होता है 1 पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ से ऐसा मापना है आपको ऐसा, और फिर क्या करना है कि आपको ये जो है कितना था हमारा 9.5, तो 9.5 यहाँ पे आप पाव इंच एक्स्ट्रा, यानी 9.5 पाव इंच एक्स्ट्रा ऐसा यहाँ पे मार्किंग लगाना है, उसके बाद 1 इंच इधर का मार्जिन। तो ये हमारा हो गया चेस्ट का सेटिंग, ये देख ले। ठीक है, बाकी हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम पेपर काट के, आप चाहे तो कपड़े भी काट सकते हैं, जो हमारा ये देख लीजिए इधर पे रखा हुआ है कार्डबोर्ड होता है जो कहीं पे भी मिल जाता है, इस पर हम कटिंग करके बहुत इजी से समझाएंगे। तो अब हम थे कि आर्मोल का अगर हमें ये बढ़ता है तो कैसे करना है, तो इसके लिए आपको सिर्फ आधा इंच बढ़ाना है और ऐसा मिला लेना है। ठीक है, अगर वो होता है तो ऐसा ले लेना है, इससे क्या होगा कि आपका आर्मोल बड़ा नहीं होगा। तो आप ये तो समझ चुके हैं कि इसमें हमें कैसा लेना है, अगर वही फार्मूला यूज करेंगे, हमारा 36 मेन साइज है, 36 का चेस्ट है, तो उसके हिसाब से हम 36 में भाग देंगे 6 से, फिर से हम वही गला लेंगे तो हमारा आता है 6 इंच, 6 इंच के आधा 3 इंच, 3 इंच इधर पे अप्लाई करेंगे हम, ऐसा हम आप लेंगे 3 इंच। ठीक है, और ये चीज़ सेम रहेगा, अगर आपको कम करना है तो आप कम कर सकते हैं, और ये चीज़ भी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा 36 के साइज का हो गया, और शोल्डर हमारा है 13.5, तो 6 दूना 12 13, उससे आधा इंच कम हो जाएगा, इतना लेंगे हम। हाँ 7.5 इधर पे भी माप लेंगे हम 7.5, और फिर इसको हम ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके इसके लिए भी हम छठा भाग, तो 6 इंच यहाँ से अप्लाई करेंगे, ऐसा रख के 7.5 नाप लेंगे, और
चेस्ट का साइज 36, तो 9 इंच यहाँ पे माप पाएंगे प्लस 1 इंच मार्जिन, यहाँ पे भी वही करेंगे 97.5 इंच बढ़ा देना यहाँ पे प्लस 1 इंच मार्जिन, ठीक है। और इसको जो है चौथा भाग, तो ये हो जाएगा 9 इंच प्लस आधा इंच ऐसा, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी हम ऐसा मार्किंग मार लेंगे, ओके। अब इसको इसको हम मिला लेते हैं, और हम पहले वाले को मिटा देते हैं, ठीक है। ये चीज करेंगे, ये हमारा हो गया फ्रंट का और बैक का ऐसा। ठीक है, तो आपका दो साइज हमारे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब तीसरे साइज के लिए हम आगे चलते हैं। अब हम 34 के साइज कवर कर रहे हैं। 34 के साइज में फिर से वही, सबसे पहले हम गला की मार्किंग करेंगे। गले के निशान में हमारा 34 चेस्ट है, तो 34/6 हो गया 5.66 है, 5.66। तो इसको हम 5.6 में गिनती करते हैं, तो ऐसा नापेंगे हम ऐसे 2.25, मतलब 2.5 इंच से 1 सूत ज़्यादा ऐसा ले लेंगे। उसके बाद फिर से ऐसा हम 6 इंच, आप 6.5 भी रख सकते हैं। और उसके बाद ऐसा और ऐसा 3 इंच नाप सकते हैं, 2.5 इंच भी नाप सकते हैं, 2 इंच भी नाप सकते हैं, इसमें हम 2 इंच ही रखते हैं। एक कुर्ती और टॉप दोनों में अप्लाई होगा, याद रखना है। उसके बाद हमारा शोल्डर इसमें हो जाता है 12.5, 6.25, ये 1.25 इंच सभी साइज में गिराना है, जितने भी बड़े साइज है याद रखना है। इधर भी 6.25, ऐसा। और यहाँ से ये शोल्डर डाउन का तीरा जिसको बोलते हैं आप लोग। और उसके बाद छठा भाग है आपका 5.5, 5.7, 5.6, इसको यहाँ से 5.6 ले लेना है, यानी टोटल 6.5 हो रहा है ऐसा। और 34 के चौथा भाग, कपड़ा डबल रहता है, तो 8 चौका 32, 8 1 इंच मार्जिन, फिर से हमेशा ये दोनों मिलाकर निशान लगा लेंगे। हर कटोरी डॉट पॉइंट, जैसा कि आप हमको आपको मैंने बताया है, चौथा भाग तो 34 है, 8.5 प्लस 0.5 इंच 9 इंच हो जाएगा ऐसा। हम अभी थोड़ा फास्ट फास्ट कर रहे हैं, ऐसे मिला दे रहे हैं। और मैं आपको पहले ही बता दे कैसे आपको
कम करना है अगर गला डाउन होता है तो। ये हमारा फ्रंट हो गया, इसको भी यहीं लाके मिलाना है, अलग नहीं करना है आपको। तो ये हमारा हो गया आर्म होल का और ये शोल्डर का, गला का आपको मैंने बता दिया। अब हम चौथा साइज कवर करेंगे जो किस में बत्तीस का है, हमारा? 32 है, फिर से वही करेंगे। ये देखिए 32/6, ठीक है, 5/5, यानी इसमें 5.5 लेंगे, 5.5 ही लेते इसमें, 5.5, 1 पॉइंट ज़्यादा। इसमें भी ऐसा 6 इंच, एक फ्रंट गला होते हैं हमारे, और ये जजमेंट से मैं ले रहा हूँ, आपको मैंने मेजरमेंट बता दिया है, ये बैक गला हो जाएगा, ठीक है। और शोल्डर इसमें 12 इंच हो जाएगा, छः इंच, आप इसको 12.5 भी रख सकते हैं, 13 भी रख सकते हैं, इसमें भी आप 13 रख सकते हैं, ठीक है। 6 इंच मैंने इसको लिया, यहाँ पे भी 6 इंच में आप लेंगे हम। उसके बाद 8 इंच ऐसा मापेंगे, और प्लस 1 इंच मार्जिंग, ठीक है। 1.25 इंच आपको ये डाउन करना है, और यहाँ से ऐसा निशान लगा लेना है, फिर इसको मिला लेना है, इसको कितना लेना है, 5.5। छठा वा कितना था, हाँ 5.5 लेना है इसको। यहाँ से यानी 6.5 हो जा रहा है, 5.5, 6.5 से थोड़ा कम होगा, फिर ऐसा, ये लगा लेना है, ये हमारा रेडी है, ये मार्जिंग है। उसके बाद इसका चौथा भाग 32 के 8 इंच प्लस 0.5 इंच मार्जिंग, 8.5। ये हमारा कप्स के लिए, या टक्स पॉइंट होता है जो डॉट पॉइंट कटोरी के लिए, कप्स के लिए, उसके लिए है। उसको हम जजमेंट ऐसा मिला रहे हैं, 1/2 इंच एक्स्ट्रा होता है ये, कभी भी जितने भी मेजरमेंट आए, यानी ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए होता है कि बस्ट आता है ऊपर, तो इसके लिए है। समझिए आपका अगर चेस्ट सपोज 30 है तो उसमें 2 इंच लूजिंग होगा, 32 + 1/2 इंच ऐसा एक्स्ट्रा करना है चौथे भाग में, यानी 1 इंच वो बढ़ जाता है। तो ये हमारा हो चुका है, और ये हो गया हमारा फ्रंट का। ये हो गया हमारा बैक का। हमारे 32 साइज का है, और पूरा हम टोटल अभी सभी चारों साइज का एक जगह ड्रॉ करके, ड्राफ्टिंग करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लिख कर और टोटल दिखा दूंगा मैं। ये मैंने चारों साइज का ड्राइंग यानी ड्राफ्टिंग कर दिया है, ठीक है। इधर पे 1/2 इंच का फ़र्क हो रहा है सब, और इधर पे सभी साइज में 1/2 इंच का फ़र्क होंगे चेस्ट के हिसाब से, और इधर पे चेस्ट के हिसाब से 0.5 इंच का फ़र्क होंगे, ये लंबाई 1-1 इंच बढ़ जाएंगे। उसके हिसाब से मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया है, ये ड्रॉ हो गया 38 का, देख लीजिए यहाँ जाएगा, ये 36 का यहाँ पे आएगा, ये 34 का यहाँ पे आएगा, और ये 32 का यहाँ पे आएगा, सेम इस तरह से यहाँ भी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और पसंद आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं उस सवालों का जवाब दूंगा। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, धन्यवाद।